मेडिसिन क्या है वेन आई से वर्ड मेडिसिन इसका मतलब क्या है इसका मतलब अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इलनेस यह मेडिसिन का डेफिनेशन है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का साइंस ऑफ डीलिंग विद प्रिजर्विंग ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज और इंजरी तो कोई भी ऐसी चीज जो साइंटिफिकली प्रूवन है जिससे हेल्थ प्रिजर्व होती हो प्रिवेंट होती हो या कोई अगर बीमार पड़ गया तो ठीक हो जाता हो कोई भी ऐसी चीज वो जरूर नहीं कि वो कोई टैबलेट हो सर्जरी हो टॉनिक हो तभी वो मेडिसिन है मेडिसिन इज समथिंग विच कैन हेल्प यू टू रिमेन हेल्दी मेडिसिन क्या है जिसकी मदद से आप हेल्दी रह पाए वो मेडिसिन और वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए वो साइंस होना चाहिए तो वो मेडिसिन सो इफ दैट इज सो अगर ये डेफिनेशन है मेडिसिन का तो इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम लेके चलते हैं 2017, 2017 का नोबल प्राइज विनिंग साइंस वो तो यही कहता है कि आपके बॉडी में एक क्लॉक है जो आपने पढ़ा हमारे जीरो वोल्ट ट्रेनिंग में बॉडी क्लॉक है वो बॉडी क्लॉक को अगर आप बिगाड़ देंगे तो सारी बीमारियां आने लगेंगी कैंसर हार्ट डिजीज डायबिटीज हाइपरटेंशन बॉडी में दर्द एक्सेट्रा एक्सेट्रा वही बॉडी क्लॉक को ठीक करने लग जाएंगे अगर वो ठीक हो जाती है तो बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं सो ये तो है 2017 का नोवल प्राइज विनिंग साइंस कि ले दे के आपके हमारे अंदर एक बॉडी क्लॉक है और वो बॉडी क्लॉक तय करता है उसका ठीक रहना या नहीं ठीक रहना तय करता है आप बीमार होंगे बीमार रहेंगे या आप ठीक हो जाएंगे यहां तक तो हमने देखा था अब यहां पे ये जिक्र नहीं है कि वो टेबलेट से ठीक होंगे टॉनिक से ठीक होंगे किन चीजों से ठीक होंगे उस बॉडी क्लॉक को ठीक करने के लिए दवा कुछ भी हो सकती है जो भी चीज आपके बॉडी को बॉडी क्लॉक को ठीक करे वही आपकी मेडिसिन है आज ऐसे पांच मेडिसिन की बात हम करेंगे पहली मेडिसिन टाइम एज मेडिसिन समय ही दवा है यह हमने सुना है लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करें हाउ टू इंप्लीमेंट इट साइंटिफिकली इंप्लीमेंट कैसे करें तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा आठ घंटे के ब्रैकेट में अगर आप खाने शुरू कर दें अगर आप ये डिसाइड कर लें आई ईट लीड इन द ब्रैकेट ऑफ एट आवर्स खासतौर पे जो लोग बीमार हैं कैंसर के मरीज हार्ट डिजीज के मरीज फॉर एग्जांपल दस बजे से लेकर शाम के छह बजे तक ही मैं खाऊंगा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या खाना है कितना खाना है उस पर हम बात ही नहीं कर रहे है. हम सिर्फ टाइम पर बात कर रहे हैं कि जो भी कुछ मैं खाऊंगा आठ घंटे के ब्रैकेट में खाऊंगा जो भी आप खाते आए हैं वही खाएंगे सिर्फ इतना करेंगे तो भी आपका बॉडी क्लॉक सर्कडियन रिदम वो ठीक होने लगता है और ऐसा देखा गया है कई कई बार देखा गया है जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी बीमारियां रिवर्स होने लगी हैं ये कई सारे रेफरेंसेस हैं उनकी बीमारियां ठीक होने लगी हैं यानी कि एक दवा तो मुफ्त का हमारे पास है ही आपके पास मेरे पास किसी के पास भी कोई हमारे पास जब पेशेंट आते हैं कैंसर के तो बस पहला टाइम एज मेडिसिन वो तो इतना बीमार है वो तो वैसे ही मरने वाला है वो तो मान ही जाएगा और हम कुछ ज्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे सिर्फ इतना बोल रहे हैं व्हाट एवर यूर ईटिंग ईट द ब्रैकेट ऑफ दैट्स ऑल तो उससे क्या हम कैंसर ठीक कर रहे हैं मे बी वी आर करेक्ट करेक्टिंग द बॉडी क्लॉक और वो बॉडी क्लॉक जब करेक्ट होने लगेगा तो बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो भी करेक्ट होने लगेगा सो टाइम बिकम्स अ मेडिसिन दैट इज द फर्स्ट मेडिसिन टाइम एज मेडिसिन क्या ये काम करता है ये तो काम करता है नुकसान तो कुछ है ही नहीं ना आप एक ट्रायल कर सकते हैं इसके लिए बहुत बीमार होने की आवश्यकता नहीं है आप अभी से लेके एक हफ्ते तक ओनली सेवन डेज आप इस पहले मेडिसिन को यूज करके देखें आप ये देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर आपका ब्लड शुगर आपका बॉडी वेट नीचे जाने लगेगा एक हफ्ते में आपकी एनर्जी लेवल ऊपर जाने लगेगी एक हफ्ते में तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा दैट टाइम कैन वर्क एज ए मेडिसिन जिंदगी भर नहीं करना है तीन महीना अबाउट एट वीक्स टू ट्वेल्व वीक्स और जब ठीक हो गए तो आठ घंटे के ब्रैकेट को आपने दस घंटा बारह घंटा बना दिया हमारे हुस, हिम्स हॉस्पिटल में ग्यारह घंटे का ब्रैकेट है पेशेंट को ग्यारह घंटे के बीच में ही देते हैं, खाना ज्यादातर जो तो कैंसर के पेशेंट है वी ट्राई टू तो गिव हिम गिव आठ घंटे के ब्रैकेट में तो ये टाइम एज मेडिसिन तो आप घर घर पे भी कर सकते हैं तो सबसे पहले जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन भी टाइम एज मेडिसिन यू कैन ट्राई नुकसान कुछ नहीं है ऐसा नहीं कि जो हेल्दी है वो कर ही नहीं सकता जो हेल्दी है वो करेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ लाभ ही दिखेगा वी द पैकेट ऑफ एट आवर्स इसका उल्टा कर लेते हैं सिक्सटीन आवर्स सोलह घंटे रोज खाना है खाने की क्वांटिटी नहीं बढ़ाने की बात कर रहा हूं बस खाने को फैला देना है सुबह छह बजे उठे कुछ ना कुछ खा ले खा लिया फिर एक दो घंटे बाद फिर खा लिया रात के दस बजे तक खाते ही रहे तो सेम अमाउंट ऑफ फूड है सेम काइंड ऑफ फूड है द ओनली थिंग इज हमने उसके टाइम स्पैन को डबल कर दिया सोलह घंटे कर दिया वही चीज आपको मोटा कर देगी वही चीज आपका ब्लड शुगर बढ़ा देगी इसके एक्सपेरिमेंट इंसान पे किए गए चूहे पे किए चूहे पे तो आप भी कर सकते हैं चूहा नॉर्मली रात को खाता है आप चूहा पकड़ लीजिए चूहेदानी से पकड़ते ही हैं और उसको दिन में खिलाइए और जब सूरज ढल जाए तो उसके चूहेदानी से खाने को निकाल दीजिए आप देखेंगे दो चूहे से कंपेयर कर सकते हैं एक को रात को सेम खाना दीजिए एक को दिन में दीजिए जो तो चूहे को दिन में खाना मिल रहा है उतनी क्वांटिटी वो मोटा होता जाएगा सो so, उसके सर्केडियन क्लॉक उसके बॉडी क्लॉक के हिसाब से वो खाना उतना ही खा रहा है लेकिन उल्टे टाइम पे खा रहा है तो समय का महत्व है क्या खा रहे वो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी कब खा रहे मैं उसकी बात कर रहा हूं कितना खा रहे हैं क्या खा रहे हैं नॉट इंपॉर्टेंट कब राइट तो द टाइम कैन बी ए मेडिसिन तो मतलब ये कि आफ्टर द सनसेट नी नॉट टू ईट डोंट ईट उससे पहले पेट भर के खाओ जो भी खाना आपको पसंद है वो खाओ तो कितना आसान है ठीक होना